आज स्मैकडाउन में जो हुआ उससे रोमन रेंस की सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। और इस बात से रोमन रेंस इतने गुस्से हैं कि उनका पूरा खून खौल रहा है उनके भाई जे उसो पे। जे उसो ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आने वाले स्मैकडाउन में अब रोमन जे उसो का वो हाल करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइज हुआ कुछ ये कि आज के स्मैकडाउन में लोगन पॉल का रिटर्न होना था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल अपना रिटर्न करते हैं। इसके बाद वो एक कमाल के प्रोमो कट करते हैं और गाइस प्रोमो से उन्होंने ब्लड लाइन के एक एक मेंबर को चुन चुन के गालियां दी है। तो गाइस लोगन पॉल अपने प्रोमो को कुछ इस वे में स्टार्ट करते हैं। प्रोमो की स्टार्टिंग में खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हर कोई मुझे कहता था कि तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा, लेकिन देख लो मैं अभी कहां पे हूं और हमेशा मैंने अपने हेटर्स को गलत साबित किया है। गाइज अपने बारे में इतना कहने के बाद अब लोगन पॉल ब्लड लाइन के हर एक मेंबर पे शॉट लेना शुरू करते हैं। तो अब लोगन पॉल कहते हैं कि रही बात ट्राइबल चीफ और उसकी टीम की, तो वो एक पूरी घटिया टीम है। उस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के दो पिल्ले, वो सेम फेस वाले जुड़वा भाई, हमेशा उसके इर्द गिर्द खड़े रहे उस रोमन के तलवे को चाटते रहते हैं। और वो रोमन का सबसे छोटा भाई सोलो सिकुआ, नाम तो सोलो है लेकिन कभी सोलो रहता है। और मैं उस पगले आदमी सैमी ज़ेन की क्या बात करूं, मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। WWE में और सभी काम छोड़ ब्लड लाइन में घुस के अपने आप को समूहन बताता है। इस बंदे की तो मैं शकल तक ना देखूं। भाई सुन रहे हो, लोगन पॉल ने यहाँ किस लेवल की बातें कही है, अब आप ही बताओ अगर रोमन इसे सुने होंगे तो वो लोगन पॉल का क्या हाल करेंगे। गाइज इतना कह के भी लोगन पॉल का पेट नहीं भरता है। इसके बाद वे अपने क्राउन झूल के मैच के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं अपने मैच में अंडर डॉग हूँ, मैं क्राउन झूल में कुछ भी कर लूँ लेकिन रोमन रेंस को नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन सोचो क्या होगा, भले मैं रोमन रेंस को हरा नहीं पाऊँ लेकिन कितना मजा आएगा जब मैं क्राउन झूल में एक चैंपियन को मैं इतनी जोर से मारूंगा और वो मेरे नीचे गिरा होगा। गाइज इतना कहने के बाद आगे लोगन पॉल कुछ कहते, लेकिन उससे पहले जे उसो ने लोगन पॉल पे अटैक कर दिया। और गाइज अटैक करने से पहले बैक स्टेज सैमी ज़ेन ने जे उसो को अच्छी तरह से समझा दिया था कि रोमन ने कहा है कि आज लोगन पॉल हमारे बारे में कुछ भी कहे लेकिन हमें उस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है। तो गाइज रोमन रेंस के इतने बड़े मैसेज के बाद भी जे उसो ने उनकी बातों की तनिक भी कदर नहीं की और अपना आपा खोल लोगन पॉल की बातों में आ गए और जाके अटैक कर दिया उनके ऊपर। और जे उसो के अटैक करने का नतीजा क्या निकला गाइज ये आप लोग खुद देख लो। लोगन पॉल ने जे उसो को अच्छी तरह से फोड़ा। और गाइज रोमन रेंस को इसी बात की सबसे बड़ी दुख है कि उनके समझाने के बाद भी जे उसो ने उनकी बातें नहीं मानी। आज लोगन पॉल ने जो रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन पे शॉट लिया है, उनके इज्जत का भाजी पाव किया है, इसका बदला तो रोमन रेंस नेक्स्ट वीक लेंगे। लेकिन उससे पहले रोमन रेंस जे उसो को तोड़ेंगे क्योंकि गाइज जे उसो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तो उन्हें सैमी ज़ेन से प्रॉब्लम थी जो कि अभी भी है ही, लेकिन अभी उसकी हिम्मत तो देखो, अपने ट्राइबल चीफ के बातों को तक नहीं मान रहा है और ये रोमन रेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट वीक रोमन रेंस जे उसो के साथ क्या करते हैं। तो गाइज हमारी आखिरी अपडेट कुछ ये है कि आई होप कि आप लोग WWE के एक फॉर्मर काफी बड़े सुपरस्टार CM Punk को अच्छी तरह से जानते होंगे। गाइज अभी हुआ कुछ ये है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी लास्ट ईयर ही CM Punk ने AEW में अपना रिटर्न किया था। लेकिन गाइज अभी प्रॉब्लम कुछ ये हो गई है कि CM Punk ने अभी लास्ट मंथ ही AEW में काफी बड़े बड़े कांड कर दिए हैं, जैसे कि उनके कंपनी का इंसल्ट करना, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कंपनी के सुपरस्टारों को गालियां देना, बैक स्टेज उनके सुपरस्टारों से झगड़ा कर लेना। CM Punk के इसी अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से AEW वालों ने उन्हें अपनी कंपनी में आने से मना कर दिया है। लेकिन गाइस CM Punk के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि HHH CM Punk में इंटरेस्टेड है और उन्होंने CM Punk के रिटर्न के लिए अपने कंपनी के दरवाजे को खोल रखे हैं। अगर CM Punk चाहे तो वो एक बार फिर से अपने घर WWE में रिटर्न कर सकते हैं। तो गाइज मेरा अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप लोग CM Punk को WWE में देखना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बस CM Punk जरूर लिखिएगा। तो फिर गाइज आज के वीडियो को यही पेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो फिर गाइज मेरा आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।